CFA वर्सेस एग्जीक्यूटिव MBA, इस पर्टिकुलर वीडियो के ना मिक्स्ड ऑडियंस होंगे। एक ऑडियंस तो वो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जो वर्क एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं एटलीस्ट 4 ईयर्स, वो अब इस सिचुएशन में होंगे कि भाई ठीक है, आई शुड गो फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स और आई शुड गो फॉर एग्जीक्यूटिव MBA। एक आता है बच्चा क्लास 12th में जिसका टारगेट है CFA विद ग्रेजुएशन, उसको कहीं से पता चल गया कि एग्जीक्यूटिव MBA भी कुछ होता है कि जो आप बाद में कर सकते हो, तो अभी बेटा ग्रेजुएशन पे फोकस करो और बाद में फिर एग्जीक्यूटिव MBA कर लेना। अब वो हो गया कंफ्यूज्ड, तो उस बच्चे के लिए प्लस जिनके पास एक्सपीरियंस है, उन दोनों के लिए ये वीडियो होगा रेलेवेंट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर और इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर्स और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। कैटेगरी 1 में है CA कंपैरिजन। CA को हमने डिफरेंट करियर से कंपेयर किया, फिर BCom, देन CFA, ये हो गया वीडियो नंबर 53, एंड देन BBA। टोटल 82 वीडियोस में जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलिवेंट लगता है वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आ गया जी CFA, फिर आ गया एग्जीक्यूटिव MBA। CFA की वेबसाइट है cfainstitute.org। पूरे वर्ल्ड में अगर आपको कहीं भी CFA करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट के थ्रू, स्टडी मटेरियल के थ्रू, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चेक करनी है, इसी वेबसाइट पे होगी। एग्जीक्यूटिव MBA प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, हर एक की अपनी वेबसाइट होगी। गूगल पे आपको उनका नेम टाइप करना है, वेबसाइट आ जाएगा। फुल फॉर्म चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA का। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन बिजनेस मैनेजमेंट, कुछ कॉलेजेस PG डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। बच्चे सोचते हैं PG डिप्लोमा डिप्लोमा है, नहीं, कहीं पर डिग्री का वो रेलिवेंसी नहीं मिला है तो वो PG डिप्लोमा करते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयबिलिटी ऑल्सो। नंबर ऑफ ऑथोराइज इंस्टीट्यूट, पूरे वर्ल्ड में जब एक वेबसाइट है तो इंस्टीट्यूट भी तो एक ही होगा, CFA इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं तो यहाँ पर कॉलेजेस भी डिफरेंट होंगे। MDI, FMS, IIM, IITs में भी अब MBA हो चुका है, और ऑनलाइन एडटेक कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में जो आपको एग्जीक्यूटिव MBA प्रोवाइड करते हैं। फीस होती है अराउंड 4-8 लाख रुपीज़ के आसपास, ठीक है जी। कोर्स का स्टेटस अगर हम CFA को देखें, ये है एक सर्टिफिकेशन, और सर्टिफिकेशन सुनते ही इंडियन स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है अरे तो कोई भी कर लेता है। नहीं, आप मार्केट में जाओगे, एम्प्लॉयर्स के पास जाओगे, तो CFA को PG के इक्विवेलेंट माना जाता है। मेरे साथ बोलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है, इतना वर्थ है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि सर्टिफिकेशन सो ऑन एंड सो फोर्थ। मोस्टली यहाँ पर हो गया PG डिप्लोमा कोर्स का स्टेटस, नॉट इक्विवेलेंट टू PG। एग्जीक्यूटिव MBA में ये खास करके चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर 11 मंथ्स का करते हैं जितने भी लोग करते हैं, तो वो PG डिप्लोमा के इक्विवेलेंट माना जाता है। कॉलेज का ब्रांड नेम इतना बड़ा होता है कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता, राइट। लेवल्स ऑफ द कोर्स, Level 1, Level 2, Level 3, तीन पार्ट्स में CFA होगा। यहाँ पर है जनरली सेमेस्टर सिस्टम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर चेक करें CFA का, तो आप बैचलर्स डिग्री अगर कर चुके हो CFA के लिए एलिजिबल हो। आप 12th के बाद अगर CFA करना चाहते हो, तो ये जो लेवल 1 है इसको आप अपनी बैचलर में कर लेना, लेकिन लेवल 2 के पेपर से पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपके पास 4000 पेड आवर्स का एक्सपीरियंस है, तब भी आप CFA में एडमिशन ले सकते हो। 12th के बच्चे के लिए ये रेलिवेंट है, बाकी अगर आप एग्जीक्यूटिव MBA वाले ऑडियंस हो तो आपके लिए ये तीनों रेलिवेंट है। एग्जीक्यूटिव MBA के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। प्रोसेस क्या है भाई, आप एक तो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, बहुत सारे क्या हद से ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली एडमिशन देंगे किसी भी एग्जीक्यूटिव MBA कोर्स में, डायरेक्टली, नो इफ नो बट, बस ग्रेजुएशन का उनको सर्टिफिकेट देखना है। क्वालिफिकेशन एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैटर करता है बहुत अच्छे कॉलेजेस में। एंट्रेंस एग्जाम जैसे GMAT, पर्सनल इंटरव्यू राउंड और GD राउंड्स कंडक्ट होते हैं प्रीमियम कॉलेजेस में, प्रेस्टीजियस कॉलेजेस में, जहां पर एक वर्थ है वहां पर ये प्रोसेस होता है। तो आपके पास डायरेक्ट एडमिशन भी है, आपके पास अपने ये जो क्वालिफिकेशन के बेसिस पर है वो एडमिशन भी है, और आपके पास वो जो एंट्रेंस GD PI वो सारा का सारा फॉर्मेट भी है। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स CFA अप टू 2.5-3 लाख रुपीज़, बाबू इतने पैसे लग जाते हैं। डॉलर का रेट थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो वेरिएशन आ जाएगा, लेकिन लगभग इतना ही है।
एग्जीक्यूटिव एमबीए स्टार्ट होता है 40 to 50 के से और जाता है 50 लाख रुपीज तक। भैया 50 लाख, 50 लाख, यस, जाता है। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, अगर आप इंटरनेशनली जाओगे तो इतना चला जाएगा। इंडिया में भी 25 to 30 ऐसी है, ठीक है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखो, CFA लेवल 1 6 मंथ्स, लेवल 2 6 मंथ्स, लेवल 3 6 मंथ्स, कितने हो गए 1.5 इयर्स। ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हो तो ये एक साल आप बाद में करोगे। ये जो ट्रेनिंग है ये CFA का पार्ट नहीं, क्योंकि एग्जाम तो पहले ही क्लियर हो गए। हाँ ठीक है, सर्टिफिकेशन बाद में मिलेगा, तो 3 इयर्स की पहले हम ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद हम जॉब कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। टेंशन नहीं होती एक बार पेपर क्लियर करने के बाद कि CFA हो गया या नहीं, CFA तो हो ही गया। तो ड्यूरेशन में हम हमेशा कंसिडर करते हैं एग्जाम्स को, ये ट्रेनिंग तो पार्ट है। यहां पर वेरी करता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पर। एग्जीक्यूटिव एमबीए अगर आप फुल टाइम कर रहे हो 1 ईयर, पार्ट टाइम कर रहे हो तो 3 ईयर तक भी जा सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इंटरनेशनल लेवल पे पार्ट टाइम ऑफर करती है। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन, भैया नहीं हो पाया एक बार में, जिंदगी में डिमोटिवेशन आ गया, टेंशन हो गया, अरे मैं ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो गया, बच्चे 2.5 टू 3 इयर्स में इसको कंप्लीट कर लेते हैं CFA को। मैं खाली एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जो 3 लेवल के एग्जाम्स हैं। यहाँ तो आपको स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डिग्री नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया, CFA में है टोटल 6 पेपर्स, लेवल 1 में है 10 टॉपिक्स जिसमें हो गए 2 पेपर, दोनों पेपर MCQ नेगेटिव मार्किंग नहीं अवेलेबल है। लेवल 2 में हो गए 10 टॉपिक्स, कितने पेपर हैं 2 पेपर, दोनों पेपर हो गए MCQ। MCQ में आपको कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पर और एग्जाम्पल सिनेरियोज, मेरे साथ बोलेंगे क्या, एग्जाम्पल सिनेरियोज के बेसिस पर टेस्ट किया जाएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। 1 हो गया 2 हो गया, लेवल नंबर 3 पर आते हैं 6 टॉपिक्स, 2 पेपर में डिवाइडेड है, अगेन MCQ और एग्जाम्पल सिनेरियोज आपको यहां पर मिल जाएंगे। भैया CFA में पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं, 51 to 70%। डन, एग्जीक्यूटिव MBA पे आते हैं 10 to 24 पेपर्स, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर, जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, डिसीजन मेकिंग और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। पासिंग क्राइटेरिया 40 to 50%, किसमें, एग्जीक्यूटिव MBA में। डिफिकल्टी लेवल देखो, CFA है मॉडरेटली डिफिकल्ट, आपको 6 to 8 आवर्स रेगुलर बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। जॉब के साथ बहुत बड़ी ऑडियंस CFA को क्रैक करती है। अगर आप टॉप नॉच फर्म्स में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर स्केड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो थोड़ा सा मॉडरेट फर्म में, वहाँ पर यू कैन क्रैक CFA। कैन बी ईजी टू डिफिकल्ट, आपके कॉलेज पर डिपेंड करेगा। अगर टॉप नॉच कॉलेज है जहाँ पर आप एंट्रेंस GD PI क्लियर करके गए हो फिर तो मेहनत होगी, और अगर नॉर्मल कॉलेज है फिर तो 2 to 3 आवर्स की क्लासेस, 1 to 2 आवर का होमवर्क, दैट्स इट, मोर देन इनफ, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज एंड देयर एंट्री टाइप। पासिंग परसेंटेज, CFA में 100 स्टूडेंट्स गए, उनमें से बाहर आते हैं 50, बाकी 50 खो गए रास्ते में, ये तो कर नहीं पाए, या फिर डिमोटिवेशन आ गया, या फिर उन्होंने ट्राई करके देखा उनका इंटरेस्ट नहीं बना, कुछ भी रीजन हो सकता है। आप परसेंटेज देख सकते हो, फेब 2022 का ये पासिंग परसेंटेज है, लगभग वही 40 to 50%। एग्जीक्यूटिव MBA, अरे किसी ने एडमिशन ले लिया तो वो पास तो होगा ही, तो इसलिए 100% पासिंग क्राइटेरिया होता है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर, CFA में ना डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट नहीं है कि CFA कंप्लीट हुआ कल प्लेसमेंट मुबारक, नहीं, जॉब्स के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जॉब अलर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इस टाइप से चेक कर सकते हो। जॉब फंक्शंस यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो, उस हिसाब से आपको फिर जॉब्स मिल जाएंगी, सेव कर सकते हो, डिटेल्स चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। डन, हाईएस्ट सैलरी CFA में 20 लाख रुपीज, एवरेज है 4 to 5। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव MBA पे, प्योर एंड प्योर, आप सबको भी पता है मुझे भी पता है, किस पे डिपेंड करता है, कॉलेज के ब्रांड पर। अगर नॉर्मल कॉलेज है तो प्लेसमेंट असिस्टेंस वहां पे मिलेगा, प्लेसमेंट असिस्टेंस, लेकिन अगर अच्छा कॉलेज है तो फिर 100% प्लेसमेंट मिलेगा, अमाउंट वेरी कर सकता है, प्लेसमेंट जरूर होगा। अगर आप गए ग्रुप 1 कॉलेजेस में, सार्थक के ग्रुप 1 कॉलेजेस क्या हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे जिन्होंने एडमिशन लिया, आपकी प्रोफाइल जिन्होंने चेक किया और जिन्होंने एक एंट्रेंस एग्जाम को भी कंसिडर किया एडमिशन के लिए, वहां पर हाइएस्ट पैकेज है 60 to 80 लाख रुपीज, एवरेज है 25 to 35। सार्थक इतना होता है, हाँ जी होता है, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लिया, आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, आपने प्रोफाइल बनाया, उसके बाद आपने 1 साल का एग्जीक्यूटिव MBA किया, तब जाके ये पैकेज है, ओके, सो यू डिजर्व दिस,
ग्रुप टू में आ गए, सिर्फ एक्सपीरियंस और प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज, जहां पर एंट्रेंस नहीं है, वहां पर हाईएस्ट 15-25 साल तक। इतना बड़ा डिफरेंस, हाँ जी ये ह्यूज डिफरेंस है, एवरेज 8-10 लाख। और ग्रुप थ्री में आ गए, कोई भी, बस नाम में एग्जीक्यूटिव एमबीए कर तो कोई भी सकता है, फिर हाईएस्ट है ये, एवरेज है ये, और ये भी मतलब टीएनसी अप्लाई है, इतना शायद आपको ऑलरेडी हो, मतलब ऐसा बेनिफिट नहीं होगा यहाँ से। या आप ये भी चेक कर सकते हो पोर्टल पर, एम्प्लॉयर्स के नेम वगैरह आप टाइप कर सकते हो, तो उस हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हो सीएफए वेबसाइट पर, पूरा मैकेनिज्म है। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर हो गए ये, और यहाँ पर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, भैया हाँ जी मैंने सीएफए कर लिया, अब जिंदगी में कर रहा है मन कुछ तूफानी करने का, एमबीए फाइनेंस कर लो या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर लो कोई भी आईवी लीग कॉलेज से, यही है जिसका बेनिफिट होगा, बाकी कर तो कुछ भी सकते हैं। यहां पर हायर एजुकेशन ऑप्शन, वैसे तो वही एग्जीक्यूटिव एमबीए के बाद कुछ नहीं करता, 95% केस में नहीं करता, जिसको लगता है कि हाँ भाई ठीक है मुझे पढ़ने का शौक है, अपने आप को अपडेट करने के लिए, मतलब वो प्रोफेशनली ऐसा बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता, तो वो सी ए सी एफ ए सी सी ए पी एच डी और बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकता है। बेनिफिट यहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्सेज का होगा, फॉर्मल डिग्री का आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए के बाद इतना बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। फ्यूचर जॉब ग्रोथ किसके लिए, सीएफए के लिए, सीआईओ सीएफओ डायरेक्टर फाइनेंस वीपी फाइनेंस, सारी जॉब प्रोफाइल आपके लिए ओपन है, बाय डिफॉल्ट ओपन है। यहाँ पर पीपल डू टू गेट एडवांसमेंट इन द करियर, और बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन पर, आपके प्रीवियस डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस पर भी, सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या जॉब प्रोफाइल होनी है, ठीक है जी। एवरेज एज ऑफ मैरिज सीएफए की होती है 26-28, क्योंकि 20 या फिर 21 की एज में सीएफए कर लिया, 4-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, उसके बाद यहाँ शादी हो गई। एग्जीक्यूटिव एमबीए में तो ज़्यादातर शादीशुदा ही होते हैं, मतलब भाई ये थोड़ी है कि आफ्टर 35-40 करना है, तो यहाँ पर तो आप शादी करके ही आते हो एग्जीक्यूटिव एमबीए करने। सीएफए की रिस्पेक्ट अगर देखो सोसाइटी में, टीयर टू सिटीज़ में थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि पता ही नहीं है भाई, जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं उसकी रिस्पेक्ट कैसे आएगी अंदर से, राइट तो लेस अवेयरनेस अबाउट सीएफए है। वहाँ सीएससीएससीएम में ये सब कुछ ज़्यादा पता है, टीयर वन एनसीआर, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, सब जगह फुल ऑन रिस्पेक्ट। यहाँ पर अगर रिस्पेक्ट देखें तो एक क्वालिफिकेशन ऐड ऑन हो जाता है और अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट आएगा कि भाई इस एज में भी पढ़ने जा रहे हैं, 28, 29, 30, 31 जो भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए, सीएफए के लिए, भाई पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ पर काम कर सकते हैं कि भाई ठीक है मैं इंडिविजुअल क्लाइंट्स को या फिर फर्म्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दूंगा, ठीक है जी। पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग मतलब वो कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना, वीडियोज़ बनाना, सब कुछ आपके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप एज अ कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हो स्टार्टअप्स के लिए, चाहे उनके पूरे फाइनेंशियल प्रोसेस में फंड रेजिंग, ERP, VRP सब कुछ पूरा मैनेज करने के लिए आप वर्क कर सकते हो, राइट यहाँ पर फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं अवेलेबल हैं, क्योंकि एक तो एज क्राइटेरिया भी ऐसा है, आप सीनियर लेवल पोजीशंस पे होंगे तो यहाँ इतना एज सच आप फोकस नहीं करते फ्रीलांस पर। कोर्स लाइफ की अगर बात करें सीएफए में, गुड प्रेशर ऑफ स्टडीज़ होता है जी, डेडिकेटेड लगातार शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, और आप कोर्स इन्जॉय करते हो अगर ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हो। यहाँ पर वीकेंड्स आपके क्लासेज और डिस्कशंस में जाएंगे। स्ट्रगलिंग टू सबमिट दी असाइनमेंट्स, क्योंकि पढ़ाई बहुत दिनों बाद की है, 3-4 ईयर्स के बाद, तो एक टाइम लगता है मतलब। और नेटवर्किंग ज़बरदस्त होती है, क्योंकि वो आप काम के साथ सीख गए हो, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, राइट। सब्जेक्ट को ओरिएंटेशन, भैया हाँ जी हम सीएफए के सब्जेक्ट में और एग्जीक्यूटिव एमबीए के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे क्या? सीएफए में होगा वेल्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर होता है ना, उसको पूरा मैकेनिक्स पता है, किस चीज़ का, मशीन्स का, कहाँ पे पढ़ता है, अपने सब्जेक्ट्स में। ऐसे ही सीएफए हैं, पूरा का पूरा मैकेनिज्म पता चलता है, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पता चलता है, जिससे कि क्या एक साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो बना सके, राइट। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर होता है ना, पहले एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद वो अपने स्पेशलाइजेशन एमडी के लिए जाते हैं, जिसमें उन सब्जेक्ट का मन है, राइट कि भाई ठीक है मुझे ए सब्जेक्ट में करना है तो उसका स्पेशलाइजेशन, बी में करना है तो बी का स्पेशलाइजेशन। सेम केस चलता है आपके साथ, सब्जेक्ट जो टोटल हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, तो उस हिसाब से वो सब्जेक्ट अलाइंड होते हैं, डन। बहुत कुछ आपकी प्रोफाइल पर मैटर करता है। वर्क ओरिएंटेशन, पहले तो पढ़ लिया, अब काम भी तो करेंगे, काम में क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ मनी, बस यहीं पर रुक जाओ।
मैनेजमेंट ऑफ मनी होगा। जैसे IAS एस्पिरेंट होता है, पूरा मैनेजमेंट करता है कि भाई ठीक है GS1 मुझे इस टाइम पढ़ना है, फिर मैं लेक्चर थोड़ा सा एसे राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस करूँगा, इस टाइम मैं कोचिंग लूँगा, ऐसे मैं मॉर्निंग में उठूँगा, फिर मैं थोड़ा सा ये, वो बिल्कुल स्केड्यूल और बैलेंस में चलते हैं। जब बैलेंस में चलेंगे 2 to 3 years तब जाके एग्जाम क्रैक होता है। तो सेम बैलेंस आपको बनाना होता है किस चीज़ का, पोर्टफोलियो का, कि भाई जो कस्टमर आया है उसको बेस्ट रिटर्न मिले और रिस्क मिनिमाइजेशन के साथ मिले, राइट। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव MBA के वर्क ओरिएंटेशन पे। अगेन जॉब प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। भाई एक बार मैं कैसे बता दूं, जब इंजीनियरिंग की 28 टाइप्स ऑफ वर्क है, 28 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग होती हैं, तो हर एक के वर्क प्रोफाइल भी तो अलग होंगे, ऐसी MBA भी है। जब इतने तरह का होता है तो सबके वर्क प्रोफाइल भी तो डिफरेंट होंगे। मोस्टली आप लीडरशिप कैपेसिटी में वर्क करते हो। भाई जब आप 30s में हो, ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रोफाइल अपना बिल्ड किया, तो आप लीड करोगे बस जो भी वर्क करोगे, ये कॉमन है, बाकी सब आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कॉमन ट्रेड्स कहते हैं एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API, ये तीनों जहां पर मिल जाए वो हमारा आइडियल करियर माना जाता है। तो देखते हैं जरा आपका ये API मैच होता है क्या। एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव चाहिए क्या, एप्टीट्यूड किस में, CFA में। जैसे दीदी है ना, दीदी वो मटका लेके जाती थी और उन्हें पता होता था कितना पानी घर में चाहिए, कितने का यूज़ है, आज अगर 10 लोग आए हैं तो और कितना पानी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये जो एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड था ना उनका, सेम CFAs का भी होना चाहिए। यहाँ पर हो गया एप्टीट्यूड मल्टीटास्किंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। जैसे कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं अगर कुछ गड़बड़ दिखती है तो। वो जो पावर है, वो जो एप्टीट्यूड अगर आपका है कि भाई ठीक है मैं डिसीजन अपने आप ले सकता हूँ और मुझे बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है, किसी की एडवाइस की ऐसा सच जरूरत नहीं है, आपका एप्टीट्यूड है क्या एग्जीक्यूटिव MBA वाला। पर्सनैलिटी CFA की होती है शार्प, विजिलेंट, एक्सीलेंट नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन, सॉलिड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जैसे रितेश अग्रवाल यंग एज में भी एंटरप्रेन्योर क्यों बने, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ताकत बहुत अच्छी थी, राइट। तो आपको ये चीज़ मैच करनी पड़ेगी। हम ये एग्जाम्पल्स इसलिए देते हैं जिससे आप नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर सको। मैं किसी CFA का यहाँ पर एग्जाम्पल लूँगा ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, तो ये एग्जाम्पल्स हमारी, फेमस एग्जाम्पल्स लेना हमारी मजबूरी है, राइट। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, एम्बिशियस, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग स्किल्स प्लस लीडरशिप एबिलिटी, ये जो है ना, ये लीडरशिप एबिलिटी। भाई जस्टिन कैन है, ये ट्विच एक कंपनी है, बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी है, उसके को फाउंडर हैं, आर्ट साइड्स हैं, MA किया हुआ है इन्होंने, लेकिन क्यों ये रूल कर पाए, क्योंकि लीडरशिप एबिलिटी है। तो मैं ये वाली एबिलिटी है ना, कोई भी आपका स्ट्रीम हो, ये है, पता होता है अंदर से है या नहीं, अंदर से पता होता है या नहीं, है तो आपकी पर्सनैलिटी एग्जीक्यूटिव MBA की। इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट इन ग्रोइंग मनी। जैसे जो बॉडी बिल्डर होता है ना, उसका इंटरेस्ट होता है बॉडी बनाने में। आपके पास है वो दोस्त, भाई पंप नहीं आ रहा, पंप नहीं आ रहा, भाई पंप आ गए, फोटो क्लिक कर दे, वो वाले जो फ्रेंड्स होते हैं ना, बस जैसे उनका पंप लाने में इंटरेस्ट है या बॉडी बनाने में इंटरेस्ट है, आपका पैसा ग्रो करने में इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट होता है चीज़ों को कंप्लीट करने में। जैसे बॉडी को पूरा मैनेज करते हैं लेग्स, पूरा का पूरा वेट, ऐसे ही सेम केस में जब आप अपना एग्जीक्यूटिव MBA कंप्लीट करते हो, आप बेस बनते हो किसी भी ब्रांड का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो जिम्मेदारी लेने की ताकत, वो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मैच हो गई, API समझ जाओ वही करियर आपका है। तुझमें रब दिखता है, ये वाला गाना स्टार्ट कर दो। बेस्ट केस सिनेरियो CFA में सब कुछ बढ़िया, तो क्या बढ़िया, सारे लेवल क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन टॉप कॉलेज से कंप्लीट हो गई, हाईएस्ट प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट के पोर्टल से ही चला गया, आपने 2 साल बाद MBA कर लिया, मैक्स है ये। एग्जीक्यूटिव में आपने बेस्ट एंट्रेंस क्रैक कर दिया, एडमिशन हो गया रेप्यूटेड कॉलेज में, टॉप कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, आप बाकी फिर MDPs जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनमें आगे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, मतलब कि भाई ठीक है 2 ईयर्स में मैंने एक प्रोग्राम में एनरोल कर लिया वगैरह वगैरह, ये मैक्स है। भैया वर्स्ट में देखो, CFA एक फॉर्मल डिग्री तो है नहीं इंडिया में, तो अगर आपने सारे लेवल्स क्लियर नहीं किए, थोड़ा सा जॉब में इशू हो सकता है, और अगर ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से नहीं है तो फिर तो चेरी ऑन द केक, फिर तो और ज़्यादा मुसीबत है। आपके पास 3 अटेम्प्ट्स हैं हर लेवल के लिए, Level 1, Level 2, Level 3। 3 अटेम्प्ट में अगर कोई भी लेवल नहीं होता, तुरंत ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब सिक्योर करने की कोशिश करो। भैया ग्रेजुएशन ऐसी है ही नहीं, कोई बात नहीं, अपने आप को अपस्किल करो, 2 से 3 कोर्स और 2 से 3 इंटर्नशिप्स में सब कुछ समझ में आ जाएगा, लाइफ को ट्रैक पे लेके आओ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, CFA के चक्कर में अपनी जो ग्रेजुएशन है ना,
उसको ये मत करना कि यार CFA में बहुत मेहनत है, टाइम नहीं मिल पाएगा, ग्रेजुएशन थोड़े नॉर्मल कॉलेज से कर लेता हूँ। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाना है, भले ही CFA हो या ना हो, इस माइंडसेट से कॉलेज चूज करना। कॉलेज में जब एक बार एंटर कर गए तब देखेंगे CFA। कॉलेज में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, पाप लगेगा। वर्स्ट केस किसका, एग्जीक्यूटिव MBA का, बस एक ही है। आप कोई अच्छा कॉलेज क्रैक नहीं कर पाए, चाहे अपने प्रोफाइल के थ्रू या फिर अपने एंट्रेंस के थ्रू। कंटिन्यू करो अपनी करंट जॉब के साथ, ऐसा वैसा एग्जीक्यूटिव MBA करके कोई फायदा नहीं। कोर्स को कंप्लीट करना है, अपस्किल करो अपने आप को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब ये जो है ना, ये कंप्लीट द कोर्स। कोर्स मतलब वो जो एक वो लर्निंग स्ट्रगल है कि भाई ठीक है अभी नहीं हुआ, एक साल और, तो एक साल का आपका ये कोर्स हो गया कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, फिर दोबारा जब तक उसमें लगे रहो, जब तक टॉप कॉलेज नहीं मिलता जो आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हुई होगी दोनों करियर से रिलेटेड। कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए बनता है। इतना थक गया यार मैं बोलते बोलते, एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है, और थोड़ा सा वो जो रेड बटन है ना उसके साथ भी कुश्ती कर लेना, ठीक है। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।